हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष वाधवानी। जैसा कि आपको पता होगा, जयपुर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो थीम बेस्ड हैं। वेजिटेरियन भी मिलेगा, जहाँ पे आपके लिए ट्रेन जो है खाना लेकर के आती है। आपको रोबोट कैफेज भी मिलेंगे, येलो कैफे, जहाँ पर रोबोट आपको सर्व करते हैं। इसी तरीके का राजस्थान में पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट आया है। आज हम वहाँ आए हैं जो कि रिंगस रोड पे है, जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर। अब आपको दिखाते हैं ये है क्या। आइए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. तो आइए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं ये जगह है क्या। Here is our tickets. तो ये है हमारी टिकट्स, जो कि हम दो लोग आए हैं तो हमने दो टिकट्स लिए। एक टिकट 150 रुपीज़ की है, जिसमें से 50 रुपीज़ तो आपके यहाँ पर, अगर आप ये सिर्फ देखना चाहते हैं और पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ देके आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 150 की टिकट लेते हैं तो उसमें से जो 100 रुपये हैं वो आपके खाने पीने के लिए, या जो भी आप स्टार्टर्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो वो 100 रुपीज़ उसमें मैनेज हो जाते हैं। तो ये है बोइंग 737, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक पूरा प्लेन है, और ये एक रियल प्लेन है जिसको रीस्टोर करके यहाँ पे लगा दिया गया है। अब लोग यहाँ आएंगे, इसमें बैठेंगे, खाना खाएंगे, कॉकपिट में बैठेंगे, फ़ोटोज़ खिंचाएंगे। अगर आपको भी रील्स बनानी है, वीडियोज़ बनाने हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ये कंसेप्ट अच्छा है और लोगों को अभी पसंद आ रहा है, और ये राजस्थान का इस तरीके का पहला कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम भी अंदर चलते हैं। और भी होता यार, लेट हो गया, 10 किलोमीटर है। अब हम जा रहे हैं टॉपिक पे, पायलट से मिलने, पूछने कब टेक ऑफ होगा। ये इधर बैठ, को पायलट पे। तो आज की ये जो फ्लाइट है, ये मैं उड़ाने वाला हूँ। सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने कभी प्लेन की टिकट ली है और टिकट लेने के बाद सीधा कॉकपिट में आके बैठे हैं और पायलट से बोला है कि आज प्लेन तेरा भाई उड़ाएगा? कंट्रोल, कंट्रोल। तो मैं कॉकपिट में तो बैठा हूँ, लेकिन मैं प्लेन नहीं उड़ाने वाला, क्योंकि मुझे नहीं आता है प्लेन उड़ाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आज प्लेन तो नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन प्लेन में खाना जरूर खाऊंगा, और खाना भी बहुत स्वादिष्ट। बेटा अब अपनी सीट बेल्ट बांध के अंदर बैठो। कहाँ? उधर आपकी जो सीट है ना, उस पर सीट बेल्ट बांध के बैठो, कॉकपिट में मत आओ। अभी प्लेन उड़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है? अभी नहीं उड़ेगा। नहीं, अभी तो हम उड़ा रहे हैं, आप बैठ जाओ, नहीं तो आप गिर जाओगे। मुझे पता है, हम इसमें बहुत बार आ चुके हैं। नहीं, अभी ये उड़ाऊंगा मैं, ये उड़ने वाला है अभी, पता है आपको? कैसे उड़ेगा? ये उड़ेगा, देखो अभी मैं आज घर से चाबी लाया हूँ उसकी। कहाँ है? इधर लगेगी चाबी, फिर इसको मैं ऐसे खींचूंगा, फिर ये उड़ जाएगा हवा में। इसलिए उड़ा के दिखा दो। चलो अब मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आज हम आए हैं रिंगस रोड पे, एक है बोइंग 737 करके जगह, जहाँ पर एक एयरप्लेन आपको दिखेगा जिसमें ये पूरा कंसेप्ट दिया गया है कि आप यहाँ आके डाइनिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं, यहाँ पर आप गेमिंग जोन है, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप अपने बच्चों को ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और एक नई तरह की जगह है, बहुत हैपनिंग जगह है। आप लोग यहाँ आ सकते हो और प्लेन में डिनर करने का मौका, एक कंसेप्शनल डिनर करने का मौका आपको मिल सकता है, और रेट्स भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर जब आप आओगे तो। ये रिंगस रोड है, आप इस इधर आओगे तो खाटू श्याम जी से किलोमीटर पहले ही आपको रिंगस रोड पर ये जगह मिलेगी, बोइंग 737 के नाम से, जहाँ पर एक एयरप्लेन आपको दिखेगा, जहाँ आप उसके अंदर जा कर के डिनर या लंच ले सकते हैं। और यहाँ पर गेमिंग जोन भी है बच्चों के लिए, जहाँ आप अपने बच्चों को गेम्स खिला सकते हैं, आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। एक गार्डन एरिया है जहाँ पर आप चाहे जो कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से
कॉकपिट में आकर भी बैठ सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर ऑर्डर करेंगे और कुछ चीज़ें मंगवाएंगे, खाकर देखेंगे और आपको टेस्ट बताएंगे यहाँ का कैसा है। तो अब आप अपने अपनी पेटियाँ बांध लीजिए क्योंकि हम अब टेक ऑफ करने वाले हैं। तो अभी आपने देखे ये प्लेन के शॉट्स और ये जगह कैसी है, अभी आपने देखा अच्छी जगह है। और अभी हमने कुछ ऑर्डर किया है जिसमें जो हमने पूछा यहाँ पे सबसे बेहतर क्या चीज़ है, तो एक ये बर्गर है यहाँ का अच्छा बताया जा रहा है, और एक ये है राज कचौरी जो कि राजस्थान में वैसे तो बहुत मशहूर है ही, और यहाँ पर भी बोला गया है कि ये जो राज कचौरी है बहुत अच्छी है। तो अभी हम खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो साइज़ तो बहुत अच्छा है और ट्राई करते हैं अब एक बार। टेस्ट तो अच्छा है, और राज कचौरी में एक्चुअली जो टेस्ट होता है, जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो होता है खट्टी और मीठी चटनी का, जो कि बहुत अच्छे से आ रहा है और स्मूथ है, दही बहुत अच्छा है। तो ये अपना एरोप्लेन रेस्टोरेंट है राजस्थान का, वैसे ये पहला ऐसा एक रेस्टोरेंट है जो अपना एरोप्लेन के अंदर बनाया गया है। जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी का हम लोग यहाँ पे फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, काफ़ी अच्छी गैदरिंग होती है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे गेम जोन भी है, बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे वगैरह बड़े वगैरह जो अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं आराम से। फैमिली के लिए, स्टॉपेज के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, तो यहाँ पे फैमिली अपने बच्चों के साथ में आ सकती है, रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा सकती है, अपने बच्चों के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। हाँ मतलब तो हमने ऊपर कर लिया है क्या? मतलब हमने ऊपर दो चीज़ें मंगवाई, एक राज को कचौरी मंगवाई और एक बर्गर मंगाया, जो कि टेस्ट अच्छा था और एम्बियंस अच्छा था। आप बैठ सकते हो, अंदर एसी चल रहा है तो वातानुकूल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कॉकपिट बहुत अच्छा था, अगर आप यहाँ आते तो वहाँ बैठ के एक बार ज़रूर पिक्चर लीजिएगा। अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन पर, और हमने दो चीज़ें मंगवाई थी उसका जो टोटल कॉस्ट है वो आया है 194। तो क्योंकि जो हमने ये दो टिकट्स ली थी 150-150 रुपये की, इसमें हमारे 200 रुपये जो थे वो खाने के लिए ही थे, तो वो इसमें एडजस्ट हो गए। ये था यहाँ का, आप देख सकते हो ये इस तरह से है, बोइंग 737। अंदर का आपने देखा, ये गार्डन एरिया है, पीछे बच्चों के लिए जो है वो प्ले एरिया है, अगर आप भी क्रिकेट खेलना चाहे तो वो भी एक पॉसिबल है। यहाँ पर बाहर पार्किंग एरिया है, अच्छी खासी पार्किंग है, तो आपको पार्किंग की प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये है मेरा दोस्त अमन, आपने मेरी पहले जो खाटू श्याम वाली वीडियो देखी होगी, खाटू श्याम फूड एंड खाटू श्याम मंदिर की, तो यही है वो अमन जो हमारे लिए सारी व्यवस्था करता है खाटू श्याम के लिए, चाहे वो एंट्री हो चाहे वो प्रसाद हो, सारी चीज़ें पहुँचने से पहले तैयार रखता है। तो ये मतलब ना, आज भी हम लोग ने प्लान किया था जब बोइंग 737 आने के लिए, तो मैंने अमन को ही फ़ोन किया था कि यार कैसा है क्या है, तो अमन ने ही बोला कि अच्छा है, मेरे दोस्त का ये है, आप आ जाना, मैं सारी व्यवस्था कर लूँगा। तो हम यहाँ आए हैं, हालांकि यहाँ पे अभी जगह नहीं है शायद इस वजह से, या जो भी वजह है, शायद गर्मी इसकी एक वजहों में से एक है कि लोग यहाँ पे मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है। ये एक्चुअली रियल एयरप्लेन है जो कि ऑक्शन में से इन्होंने लिया है। तो थैंक यू सो मच यार, एक बार फिर से थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग हो गए फ्री, तो ये था, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।